time I was sorry, I'm undefeated. मैं प्रभा गुप्ता और आप हो मेरी छोटी सी दुनिया में. एक्चुअली वी आर अ कंसल्टेंट और हम बहुत सारी कंपनीज के साथ में काम करते हैं. बहुत सारी कंपनीज चाहे हम टाई अप है जिनको हम मेंबर सप्लाई करते हैं. वी आर एचआर रिक्रूटर. सो पर जो हमें सबसे ज्यादा किसी को समझाने में प्रॉब्लम होती है वो होती है लाइफ इंश्योरेंस का एक चैनल है, एजेंसी चैनल. उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर उसी इंडस्ट्री के लोग होते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग होते हैं तो वो इस चैनल को बहुत जल्दी नहीं समझ पाते हैं. इसलिए हमने ये वीडियो बनाया. सो इन दिस चैनल हम इसको एजेंसी चैनल बोलते हैं और इस प्रोफाइल को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं. सपोज किसी कंपनी में एजेंसी मैनेजर बोलते हैं, किसी में सेल्स मैनेजर बोलते हैं, किसी में डेवलपमेंट मैनेजर भी बोलते हैं, किसी में यूनिट मैनेजर भी बोलते हैं. एंड ये एक फिक्स सैलरी जॉब होती है जिसमें यू विल गेट फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव बोनस मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस ये सब आपको मिलता है. अगर हम बात करते हैं इंसेंटिव की तो इंसेंटिव तो बहुत ही अच्छे इंसेंटिव होते हैं. और ये जो प्रोफाइल होती है जस्ट लाइक अ जॉब नहीं होती है, आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट कर सकते हो. जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे. जीरो इन्वेस्टमेंट की बिजनेस होता है. इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है, आपको जॉब भी मिल रहा है साथ में. अगर आप काम करते हो तो आप बहुत अच्छा इंसेंटिव अलॉन्ग विथ योर फिक्स सैलरी आपको मिल सकता है अगर आप इस प्रोफाइल पे काम करते हैं तो. अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की. तो जॉब प्रोफाइल क्या होता है कि आपको रिक्रूटमेंट करना होता है. इस प्रोफाइल को किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर भी बोलते हैं. तो रिक्रूटमेंट किसका करना होता है? एजेंट्स और एडवाइजर्स का. जिसको किसी कंपनी में जैसे मैंने कहा सेल्स मैनेजर, एजेंसी मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर बोलते हैं, ऐसे ही एजेंट को किसी कंपनी में एजेंट बोलते हैं, किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, किसी कंपनी में हम एडवाइजर बोलते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में अलग अलग नाम से इनको बोला जाता है. और आपको एजेंट्स रिक्रूट करने होते हैं जो कि कोई भी हो सकता है. कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी कैसा बंदा हो सकता है जो काम करना चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा. हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकते. सो हम किसी भी इंडस्ट्री में के बंदे को ला सकते हैं जो कि वो एज एडवाइजर काम करना चाहे. एडवाइजर को कमीशन मिलता है. जितने भी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उसमें एक अच्छा खासा कमीशन वो लोग अर्न करते हैं. दिस प्रोफाइल इज लाइक अ डीओ जो LIC में होता है. अगर आप इससे थोड़ा इजीली समझ पाएंगे तो जो प्रोफाइल है ये, इसमें एजेंट रिक्रूट करना है. आपको डायरेक्टली कभी पॉलिसी नहीं बेचना है. आप कभी पॉलिसी मत बेचिए. बजाय अगर जिसको पॉलिसी बेचने जा रहे हो उसको आप एजेंट बना दीजिए, उसको एडवाइजर बना दीजिए कि अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ अच्छा है कि आप इसको आप एजेंट बन जाइए. जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको आप कमीशन भी अर्न कर सकते हो और जो आपका प्रीमियम आ रहा है साल का वो अर्न भी कर सकते हो हमारे साथ में. तो दिस प्रोफाइल काइंड ऑफ प्रोफाइल आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करें. यू कैन अर्न, मतलब आपने सोचा नहीं होगा इतना पैसा अर्न कर सकते हैं. और यही ये प्रोफाइल होती है. इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं होती है. ये बिजनेस की जैसी होती है और इसमें फिक्स सैलरी भी आपको मिलेगी. सो थैंक यू वेरी मच. आप ये वीडियो देखिए, इस प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करिए अगर आप इस प्रोफाइल पर ज्वाइन करना चाहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.